भारत की बेटियों बहनों और माताओं को इंसाफ दिलाने वाला और दुष्कर्मियों दुराचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला विधेयक पेश किया जा चुका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 11 अगस्त को संसद के निचले सदन लोकसभा में भारतीय दंड संहिता आईपीसी एटीन के सुधार को लेकर विधेयक पेश किया उन्होंने बताया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस बिल लेगा इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं बिल में किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है माना जा रहा है कि इस प्रावधान से सरकार लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी में है अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए हैं शादी रोजगार और प्रमोशन के जुटे वादे या गलत पहचान बताकर जो भी यौन संबंध बनाते थे उन सबको अपराध की श्रेणी में पहली बार मोदी सरकार लाने जा रही है उन्होंने कहा कि गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है जबकि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है